नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अपने जीवन काल में बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आने वाले अगले 24 घंटे आप सभी लोग हो जाइए बहुत ही बहुत सावधान, क्योंकि इन 24 घंटे के भीतर आपका कोई अपना ही साथ छोड़कर जाने वाले हैं, जिस कारण से पूरे परिवार में या इसमें शौक का लहर दौड़ पड़ेंगे। जी दोस्तों, किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि अचानक से कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हमारी ज़िंदगी में हो सकती थी। तो अगले 24 घंटे आप लोगों को बहुत ही संभल कर रहने की आवश्यकताएँ होंगी, क्योंकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन काल में अब शनि की नकारात्मक चाल पड़ता हुआ प्रदर्शित हो रहा है, जिस कारण से आपको ये 24 घंटे तक हर कदम आपको संभल कर चलने की आवश्यकताएँ होंगी। दोस्तों, या समय आपको हर क्षेत्र में बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकताएँ होंगी, नहीं तो या समय आपकी छोटी सी लापरवाही, आपकी छोटी सी गलती आपके लिए बड़ी मुसीबत या समय खड़ी कर सकती हैं। इसलिए अगले 24 घंटे बहुत ही सावधान रहें। दोस्तों, अगर आप लोग हमारी इस बात को मजाक में लेंगे तो दोस्तों फिर आपके ज़िंदगी में जो होगा उसके बारे में किसी ने कभी कल्पना नहीं की होंगे। जी दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो को आप लोग मिस कर देंगे तो आप अगले 24 घंटे के बाद इतना पछताएंगे कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि इन 24 घंटे के भीतर आप लोगों को आखिर कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, कौन सी गलतियों को करने से आपको बचना होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार की मुसीबतों को आपको सामना ना करना पड़े, और इन 24 घंटे की समय अवधि में आपको कौन से कार्यों को करने से भी बचना होगा जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित ना हो सके। तो आप लोगों को इन 24 घंटे की समय अवधि में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाले हैं, तो आपकी ज़िंदगी में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से बड़े खास बदलाव होंगे, और इन 24 घंटे तक आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आर्थिक स्थिति कैसे रहेंगी, घर परिवार का माहौल कैसे रहेंगे, और विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, हम आप लोगों को आपके जीवन जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ पूरी सटीक बताएंगे, तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आज दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान गणेश जी के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो को कभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर लिखें, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन की पंचांग के बारे में। दोस्तों, इस दिन बुधवार का दिन है, और दोस्तों बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का पावन दिन माना जाता है। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:45 के उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी, और दोस्तों पूर्व साढ़ा नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर सुबह की बात करें, दोस्तों सिद्धि युग दोपहर 12:52 के उपरांत व्यतिपाद युग प्रारंभ हो जाएंगे, और राहु काल के समय की बात करें, 48 दिन का बेहद या शुभ समय की बात करें, दोस्तों दोपहर 12:36 से लेकर के शाम 2:05 रहेंगे। यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ कार्य बिल्कुल भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार के संकट आ सकते हैं। और दोस्तों, अगर अबुझ समय की बात करें, 48 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें, दोस्तों सुबह 11:06 से लेकर के दोपहर 12:35 रहेंगे। या समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। वो दोस्तों सूर्य मीन राशि पर है, वो दोस्तों चंद्रमा वृश्चिक राशि के उपरांत धनु राशि पर संचार करेंगे, तो ऐसे में समस्त ग्रहों के चारों ओर चंद्रमा का जो धनु राशि पर गोचर है, इसका असर आपकी ज़िंदगी पर कैसा पड़ने वाले हैं, हम आपको सारी जानकारी पूरी सटीक बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, समस्त ग्रह और नक्षत्रों की चाल से यह जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज
चंद्रमा धनु राशि पर गोचर हैं, जिस कारण से आज आप लोगों को लाभ विलाभ प्राप्त होंगे, जिस कारण से आज आप लोगों को आपके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज व्यापारियों के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा रहने वाले हैं। आज उन लोगों को काफ़ी अच्छा मुनाफा वे लोग कमा सकते हैं, जिनसे वे लोग आज काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं। और आज व्यापार में अपने जीवन साथी से सलाह जरूर ले लें तो आपके लिए फायदेमंद साबित भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आज आप व्यापार के क्षेत्र में किसी प्रकार के अगर कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं तो आप अपने जीवन साथी की सलाह ले लें और अपने से बड़ों का सलाह एक बार जरूर ले लें तो ही आप उस कार्य को करें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे और आपको उसमें लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके दिन को ख़राब कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज आपको लापरवाही हर क्षेत्र में करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, आज आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको बाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और आज आप लोगों को सावधानियां भी रखने की बहुत आवश्यकताएँ होंगी। जैसे दोस्तों, अगर आज आप लोग कहीं पर भी बाहर जा रहे हैं, अगर आप वाहन से जा रहे हैं तो आप लोगों को वाहन बहुत ही सावधानी पूर्वक से चलाने की आवश्यकता होंगी, नहीं तो दोस्तों आपके साथ किसी प्रकार की असमय घटना भी हो सकती है। जी दोस्तों, जिस कारण से आपके परिवार में असम आतंक भी छा सकते हैं। और साथ ही असम आपको किसी भी इंसान से विवाद करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी परेशानी भी खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, आपको ये 24 घंटे तक आप लोगों को किसी भी क्षेत्र में आपको कोई भी गलत कार्य करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों यही कार्य आपके लिए बड़ी संकट भी खड़ी कर सकती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को 24 घंटे तक छोटी मोटी सावधानियाँ रखने की बहुत आवश्यकताएँ होंगी। और साथ ही अगर आप यह समय कहीं पर भी रोड पर आप पैदल चल रहे हैं, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप लोगों को दाएं बाएं हर तरफ से देखकर ही रोड पर आपको क्रॉस करना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके साथ किसी प्रकार की असमय दुर्घटना भी हो सकती है। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में या इसमें किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कतें हो रही हैं तो आपको जल्दी ही डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपके साथ किसी प्रकार की असमय घटना भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को ऐसे छोटे मोटे लापरवाही करने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों आपके साथ जो होगा दोस्तों उसके बारे में आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। और दोस्तों, आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को उस क्षेत्र से आपको धन लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपने लंबे समय पूर्व ही निवेश किए हुए थे, और दोस्तों आपको उस क्षेत्र से इस तरह से लाभ की प्राप्ति होगी कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, जिनसे आज आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी अच्छा सुधार भी देखने को मिलेंगे। और आज आपको अपने वाणी की मदद से विशेष सम्मान भी आपको मिलेंगे, जिनसे आज आपका मन भी काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों, आज आपको किस्मत का पूरा पूरा साथ और सहयोग भी प्राप्त होंगे, जिनसे आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को ऐसे दूर करने में कामयाबी होंगी और आपके सारे सोचे काम भी ऐसे पूरे हो सकते हैं। और आज आप जिस भी क्षेत्र में हाथ बढ़ाएंगे दोस्तों, उस क्षेत्र में आज आपको किस्मत आपका साथ देने वाले हैं। और आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके भविष्य में आपको काफ़ी फायदा भी दिला सकते हैं। और दोस्तों, अगर प्रेम संबंध की दृष्टि में देखा जाए तो दोस्तों आज आप लोगों को इस क्षेत्र में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की मजबूरियों को समझें, नहीं तो आपके लिए ही समस्याएँ हो सकती हैं और आपका संबंध भी असमय टूट सकते हैं। इसलिए आज आप उसकी मजबूरियों को समझें तो ही आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं। और जीवन के कठिन समय में जीवन साथी आपका हमेशा संभल और साथ बना रहेंगे। और दोस्तों, जो छात्र परीक्षा एवं प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे हुए हैं, दोस्तों उन छात्रों को आज काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वे लोग अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज आपके घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर बहसबाजी देखी जा सकती है। आज आप लोग भाषा के मर्यादा का ध्यान रखें, नहीं तो आपके घर में आज ज़्यादा परेशानी भी हो सकती हैं। हालांकि आज आप अपनी वाणी की मदद से नए दोस्त बनाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आज आपकी वाणी से आपके घर में किसी प्रकार के संकट हो सकती हैं। इसलिए आज अपने वाणी पर ज़रा मधुरता लाएं तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों, आज आप लोग अपने परिवार में जितना सबको साथ में रहेंगे उतना ही आपके दिन अच्छा हो सकता है, नहीं तो आपके घर परिवार में इसमें किसी प्रकार के संकट भी आ सकते हैं।